तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 12th की हिंदी की पुस्तक है और आरोह भाग दो इसको कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी के विषय में हम तो पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके आपको क्लास 12th की जो वीडियोस हैं वहाँ दिख जाएगी वीडियो। अभी हम इस वीडियो में ना मेनली इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है, ठीक है, कौन सी कविता है, उषा, इसका सारांश यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, सारांश और इसमें जो मुख्य व्याकरण के बिंदु हैं उनको समझेंगे और रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, रिवीजन के तौर पे ही बना रहे हैं। अब इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी आपके लिए। तो क्या क्या है जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है ना, वो आप देख लो। तो क्या है, जैसे इस कविता का नाम उषा है, तो उषा किसको कहते हैं, सुबह की बेला को, सुबह के समय को कहते हैं उषा, जब सूरज निकल रहा होता है। जब सूर्य निकल रहा होता है तो आपको अगर आप ध्यान से देखें, कल्पना के तौर पे देखें, तो आपको ये आकाश का जो दृश्य है ना, जब शुरू शुरू में देखते हैं तो जब सुबह के समय में जब सूरज निकल रहा होता है तो ये थोड़ा थोड़ा सा काला काला दिखाई देता है ना। जब काला काला दिखाई देता है तो ऐसे लगता है जैसे बोर्ड हो, है ना, कौन सा बोर्ड जिसपे टीचर कुछ लिखवाते हैं काला काला, उसे स्लेटी से कुछ लिखा जा रहा हो, ऐसे चित्र उकेरे जा रहे हो, ऐसा दिखता है शुरू शुरू में। और बीच बीच में देखो कवि जो है वो कल्पना करता है, शुरू शुरू में उन्होंने लिखा है कि नीले शंख जैसा, जैसे नीला शंख होता है ना, ब्लू शंख, वैसा दिखता है। फिर उसके बाद राख से लिपा हुआ चौके की तरह दिखता है, चौका यहाँ कहा गया सिल को, है ना, चौका, चौका किसको कहते हैं यार, चौका वो होता है जो मिट्टी के ऊपर माताएं जो हैं वो लगाती हैं, चौका अभी गीला पड़ा जैसे ऐसा लगता है, ऐसे फील करो उसको, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिल होती है जिसपे कूटा जाता है किसी सामान को, मतलब मसाले वगैरह पीसे जाते हैं उसको सिल कहते हैं, उसको धो के ही उसके ऊपर करते हैं ना, तो जब उसको धोते हैं तो वो केसर जैसी दिखती है, लाल लाल वैसा ही दिखता है बाद में आकाश सुबह के समय में। फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसी हिल रही हो, ऐसा लगने लग जाता है जैसे किसी का शरीर जो है वो हिलता हुआ ऐसे लगता है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो उसके बाद आपको बता दूं कि ये पंक्तियाँ बस इतनी सी ही हैं ना, इतना ही छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता में भी जैसे यहाँ शंख जैसे, ये शंख जैसे इन यहाँ पर ना उपमा है, उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा। अब राख, राख पड़ा है, राख से ये गीला पड़ा है ना, अभी गीला पड़ा है तो राख से गीला पड़ा, इसमें भी उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा। तो ये रिवीजन के तौर पे ही मैं आपको सब बताने वाला हूँ, आप देखते चलो। उसके बाद लिखा है बहुत काली सिल हो गई है, क्या हो गई है, बहुत काली, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ तक। इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है अगर कोई कहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी तरह से स्लेट पर किसी ने, स्लेट पर किसी ने तक, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत बार है। और काली सिल, काली और सिल दो शब्द हैं यहाँ, लाला बार बार आ रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो आपको यहाँ जगह जगह दिख जाएगा लेकिन यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से नील जल हिल रही हो, यहाँ से लेके नील जल से हिल रही हो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, और नील जल ये जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। तो इस तरह से आप इसको समझो। ये इतनी सी वीडियो थी जो रिवीजन के लिए मैं आपके लिए बनाता हूँ, मेनली ये वीडियो छोटी सी वीडियो निष्कर्ष के रूप में आपको बता दी, एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियो को।